इस वक्त हम मौजूद हैं मक्का शरीफ में अल अज़ीज़िया के इलाके में, जहां पे पाकिस्तानी हुज्जाज को क़याम करने के लिए जगह फराहम की गई थी। इस होटल का नाम है अल मुअज़्ज़न अल मुतालका होटल, जो अल अज़ीज़िया में खालिद कुबरी के पास, जो मीना शरीफ के करीब ही है, वाक़िया है। इस होटल में हमने कम व बेश 30 दिन क़याम फरमाया था। होटल के बाहर 24 घंटे दिन रात बसें खड़ी होती थी, जो हुज्जाज कराम को होटल से हरम शरीफ तक ले जाती थी और हरम शरीफ से होटल तक लाती थी। इनकी ये सर्विस 24 घंटे फराहम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल बहुत ही लग्जरी टाइप की बसें ली थी, जिससे हुज्जाज कराम को बहुत सहूलत हासिल थी। ये होटल 3 स्टार होटल तो होगा। यहाँ पे बहुत सी आसाइशें दी गई थी। ग्राउंड फ्लोर पे एक कॉरिडोर था, बहुत जहाँ पे बहुत सारे सोफ़े लगाए गए थे, जहाँ पर अगर किसी को बैठना हो तो बैठे। और यहाँ पे वाईफाई सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। हर फ्लोर पे काफ़ी राउटर लगाए गए थे, तो लोग अमूमन अपने कमरे में ही वाईफाई यूज़ करते थे। होटल के कमरे भी काफ़ी साफ़ सुथरे और पुर रौनक टाइप के थे, कंजेस्टेड नहीं था इतना। एक कमरे में कहीं पे 2, कहीं पे 3, 4, 5, 6 तक बिस्तर लगे हुए थे। और खाने का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। लेडीज़ के लिए अलहदा था, जेंट्स के लिए अलहदा था। अगर कहीं फैमिली मिलके खाना चाहती थी, उसके लिए भी इन्होंने सहूलत रखी थी। नाश्ते में अमूमन चना, अंडा, खिचड़ा, ये अलहदा अलहदा रोज़ बनता था। और दोपहर के खाने में अमूमन चावल की कोई डिश होती थी और दही, लस्सी और फ्रूट में से कुछ और होता था। और रात के खाने में बकरे का गोश्त का सालन या मुर्गी के गोश्त का सालन और चाय वगैरह, कश्मीरी चाय। खाने का एक अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल में ही मौजूद ये डिस्पेंसरी है, ये साहिब कंपाउंडर है, जो डॉक्टर की बताई हुई हिदायत पे दवाइयाँ देते हैं। और यहाँ पे दवाई तमाम हुज्जाज कराम को फ्री दी जाती थी। और ये जो साहिब बैठे हुए हैं, ये जो मरीज़ आते थे उनका कार्ड देखकर रजिस्ट्रेशन करते थे। और ये डॉक्टर की बैठने की जगह है, यहाँ पे अमूमन डॉक्टर तब्दील होते रहते थे और मुनासिब अंदाज से देखते थे। और ये जो साहिब हैं, ये हमारे ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इस डिस्पेंसरी में लेडी डॉक्टर की भी बैठने की तरकीब थी, मगर बहुत ही कम ये सहूलत दी गई थी। अमूमन लेडी डॉक्टर नहीं होती थी। और अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए एक सेपरेट बेड भी रखे गए थे, ताकि किसी मरीज़ को यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा सके।